अरे गुड भाई हेलो पांच आदमी अरे ऐसा कानून लाया जाए जो देश में जो भी बलात्कार हो रहा है इनके सारे मुद्दों पे लेके हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय नाम पर। क्या है मांग करी है ज्ञापन के अंदर? सर हमने ये मांग करी है कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उन पर कड़ा कानून लाया जाए ताकि ये आगे से हरकतें ना करें। यूथ जो है वो हर बार मोमबत्तियां लेके बाजारों में निकलता है, वो अगली रात को ही भूल जाता है। बिल्कुल सर, बात फिर वारदात हो जाती है। फिर मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा, मोमबत्तियां जलाने से नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। कहां के मामले में आए हैं वाजपेयी सर? संपूर्ण भारत में जो भी है कोई कौन से दोषियों को फांसी की सजा दिलाना चाहते जैसे अलीगढ़ का हुआ अभी, अलीगढ़ ट्विंकल शर्मा नाम है उसके, नाम ठीक नाम बताओ। आकाश मेघवंशी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। सभी स्टूडेंट लीडर्स और जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, सभी ने ट्विंकल शर्मा के जो केस हुआ है उसको लेके आज ज्ञापन दिया है सरकार के, जो ये कानून है इनको सख्त बनाने के लिए कि अगर चार लोगों को भी अगर ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलती है तो कम से कम 40,000 लड़कियां सुरक्षित होती है इससे। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इन सभी चीज़ों को रोका जा सके। क्या अजमेर में भी बलात्कार काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी वारदातें सामने आ रही है, कभी आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया सर? ऐसी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अजमेर में, ऐसी कोई बड़ी वारदात शायद हमारे नज़रों में नहीं आई अभी तक। जब भी आएगी हम उन दरिंदों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही नहीं देंगे, उनको सभी को ना हम सड़क पे जिंदा जला देंगे। आप जिम्मेदारी लोगे उसकी? जी बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे। आज कौन से बैनर के तले आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया? जी कोई बैनर तले नहीं दिए हमने सभी स्टूडेंट लीडर ने मिलके, हमारे GGCA GCA DV सारे मिलके यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है। नाम बताइए। हर्ष रावत, महानगर सहमंत्री, ABP।